हम लॉगरिथमिक पे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो है एमबीए 2005 में आया हुआ था, ठीक है। हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन कैसे होता है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो ये क्वेश्चन मात्र एक मिनट के अंदर हो जाएगा, बट हम इस क्वेश्चन को फुली देखेंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ, और उसमें क्या ट्रिक बनता है उसके बाद हम देख लेंगे उस क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन क्या है, पूरा ये क्वेश्चन है, लॉग बेस 2 लॉग 3 लॉग बेस 2x इक्वल्स टू 1, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की क्या वैल्यू होगी ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए एक लॉग का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि लॉग ये बेस, इसको कहते हैं बेस, ओके। लॉग बेस m टू द पावर 2n विल बी इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग n टू द लॉग m, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। लॉग में दो तीन फॉर्मूले हैं जिसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें आपको सारे लॉग के थ्योरी आपको बता दी जाएगी। सो अब ये क्वेश्चन करना है, बस हमें यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते जाना है एंड वी विल एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सो लॉग 2x है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ लॉग बेस 3 ऑफ लॉग 2 बेस एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 होल टू द लॉग 2 है, सो लॉग m है, ये देखो लॉग m है तो नीचे लॉग m बना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लॉग 2, ठीक है, इक्वल्स टू 1, ठीक है। इधर तो कोई, अब इसको कैसे हम करेंगे, इसका हम कैसे करेंगे आगे, तो लॉग ये है ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग लॉग ऑफ 3 लॉग ऑफ 2 एक्स इक्वल्स टू 1, ओके, इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 2, ओके। नाउ अब आपको एक पता होगा कि लॉग अगर इधर है ना, तो ये लॉग जैसे एक्स है तो ये हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर 1, ठीक है। ये लॉग जब इधर जाता है तो ई बन जाता है, और जब ये ई इधर आता है तो क्या बन जाएगा, लॉग, ओके। तो ये कन्वर्जन भी आपका एक बेसिक फीचर होता है लॉग का, लॉगरिथमिक का, तो इसके हिसाब से हम ये कर लेंगे, ठीक है। लॉग है ये इधर जाएगा तो ई की पावर बन जाएगा, और जब ई इधर आता है तो लॉग बन जाता है, ओके। तो यहां से ये जब लॉग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log of 3 log of 2x will be equals to e to the power log 2, okay। ये सारे आपका theoretical concept है। Now यहाँ पे आपका ये लगा, ठीक है, यहाँ पे हमने ये use किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये use किया, यहाँ पे हमने एक और चीज़ use करनी है, वो क्या है, वो ये है कि e की power log अगर कुछ भी x है, e की power log कुछ भी x है तो ये आपका बन जाता है x, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो लॉग बन जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये इसका अगर हम यूज करें ये हो जाएगा लॉग एक्स, और इधर आ जाएगा लॉग एक्स, तो यहाँ से सीधे सीधे हम एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी। ये सिर्फ हम प्रूफ करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको याद रहे, है ना, यहाँ पे कुछ भी जो है कुछ भी हो, मैथ्स में एक बेसिक फीचर होता है उसके हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। सो ई की पावर लॉग एक्स है तो इसको हम x लिखते हैं, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज आप यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसकी वैल्यू हो जाएगी e log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये x है हमारा तो यहाँ आ जाएगा 2, ओके। इसी चीज का हम फर्दर यूज करते रहेंगे, 3 log 2x, ओके। अब ये देखो ये चीज है, अब सेम चीज यहाँ पे थी, ये देखो log 2, log 2 रिप्लेस बाई log 3, और ये हम यूज करेंगे, अगर आप ये समझ लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 2x will be equals to, ये 3 है तो ये फिर क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, ओके। कैसे, ये हम बताते हैं ये कैसे हो गया, देखो log 3 log 2x है तो log ये हो जाएगा log 2x और ये आ जाएगा log 3, ओके, ये आ जाएगा log 3 will be equals to 2, डन। अब ये रहेगा log, फिर हो जाएगा log 2x, log 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 log 3, एंड यू नो दैट एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आएगी log की, log का ये कॉन्सेप्ट आएगा कि log m की पावर अगर n है, अगर m की पावर n है और आगे log है तो क्या हो जाएगा, n log m, ये चीज़ उठ के आगे आ जाती है, बन जाता है n into log m, वही हम यहाँ यूज करेंगे उल्टी, तो n क्या है, 2 है, log m 3 है, वो log m की पावर m बन जाएगी तो क्या बन जाएगा, log 3 की पावर 2, log
log 2x। अब ये क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, log 2x will be equals to 3 की पावर 2। ओके, वही हमने यहाँ लिखा है जो यहाँ से आया है हमारा। अब log 2x equals to 3 square हुआ, मतलब 9 हो गया, मतलब 9 हो गया, 3 की पावर 9। वैसे ही फिर हम यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आगे 2 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 9। इसको हम पूरा करते हैं फिर से, ये हो जाएगा तुम्हारा log x टू द log 2 इक्वल्स टू 9। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, log x विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू log 2, ठीक है, 9 इंटू log 2, ठीक, 9 इंटू log 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 9, log x will be equals to log 2 की पावर 9, ठीक है, log 2 की पावर 9, तो x की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर 9, ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू होगी 2 की पावर 9। तो ये है, यहाँ से आपको क्या पता चला कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर लेंगे, अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो कैसे करें क्वेश्चन को, ओके, देखो ये log 2 है, log 3 है, log 2x है, तो पहले ये जाएगा, पहले इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, ठीक है, 2, तो ये हमारा टर्म खत्म हो जाएगा, ये हमारा टर्म खत्म हो गया, ठीक, इसका नो यूज रहा, मैं शॉर्ट ट्रिक्स की बता रहा हूँ। फिर log 3 बेस है, 3 log बेस 3, 3 इज द बेस, तो यहाँ पे बेस 3 है, ये चला जाएगा कहाँ, ये चला जाएगा नीचे, और ये जो 2 है वो उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जो पहले का log हटाया है वो उसके ऊपर आ जाएगा, ये हो गया 9, ठीक। अब ये log का काम खत्म, अब ये log 2x है, ये log 2x है, बेस है 2, तो ये क्या होगा, आगे आ जाएगा, ये जो बेस है वो हरदम क्या कर रहा है, लीड कर रहा है ना, लीड कर रहा है, 2 नीचे आ गया, अब ये जो 9 ऊपर आया है, जैसे ये 3 ऊपर, 2 ऊपर चढ़ गया, फिर 2 के ऊपर कौन चढ़ जाएगा, ये 9 चढ़ जाएगा, ठीक है, ये 9 चढ़ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x, यहाँ से ये log का काम खत्म हो गया, ठीक है, ओके, सो ये शॉर्ट ट्रिक रहा, याद करने हैं आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाएगा, बट ये आपको अगर ये कैसे आया ये जानना है तो ये आपको थ्योरी जानना जरूरी है, ठीक है, ओके।